स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। बहुत प्यार आ रहा है बेटी पर। चलो, तुम्हें झूठ बोलने की यही सजा दी जाती है। आज के बाद इन दोनों को कभी मिलने मत देना। ले जाओ इसे यहां से। तो रागिनी के कमरे से आ रही है, चल के देखो। बचाओ, कोई है। रागिनी, क्या हुआ? तुम ठीक तो? भैया, एक लड़का मेरे कमरे में घुस आया था, वो मुझे मारना चाहता था। किधर गया वो लड़का? वहां उस तरफ। तारा, हवेली का चप्पा चप्पा छान मारो, जहां भी वो लड़का दिखाई दे उसे मेरे सामने पेश करो। जाओ। सैनिकों, कहाँ गए? जाओ लड़के को ढूंढ के लाओ। जाओ, जाओ अभी के अभी। मैं चाहता हूं, बाहर से कोई महल में घुस आया है। यहां पर कोई आया है क्या? नहीं। अब तुम बाहर आ सकते हो। चित्रांगदा, कौन हो तुम? अब मेरा नाम पृथ्वी। यहां क्यों आए हो? मुझे यहाँ किसी ने भेजा है। तुम्हारे पिताजी रौनक सिंह हैं। दिन भर उनके होठों पर तुम्हारा ही नाम होता है। उनकी दर्द भरी आंखों में देखो तो तुम्हारी ही तस्वीर नजर आती है। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया कि यहाँ का कुंवर तुम्हें जबरदस्ती मेरता गांव से तुम्हारे पिताजी की आंखों के सामने से उठा लाया था। मैं तुम्हें उनके पास वापस ले जाने आया हूं। मैं तुम्हें विक्रम सिंह के अत्याचारों से आजादी दिलाने आया हूं, हमेशा के लिए। ये सब क्या बोल रहे हो तुम?
कौन कह रहा है कि मुझ पर अत्याचार हो रहा है? पर तुम्हारे पिताजी ने तो, हाँ ठीक कहा उन्होंने, पर ऐसा शुरू में हुआ था, पर अब बात अलग है। शादी के बाद हर लड़की को थोड़ा समय लगता है अपने पति को समझने में, पर अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहुत इज्जत है यहाँ। अगर यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है तो इन 6 सालों में एक बार भी अपने पिताजी से मिलने क्यों नहीं आई? बेटियां तो पराया धन होती हैं। एक बार अगर विदा कर दिया तो उन्हें भूल जाना चाहिए, नहीं तो ना वो खुश रह पाती हैं और ना तुम। कम से कम एक संदेश तो भिजवा दिया होता, उन्हें कितनी चिंता है तुम्हारी ये जानती हो तुम? सुनो, इससे पहले हाथों पर देख ले, तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो हवेली में इस तरह घुसने के लिए तुम पकड़े जाओगे। और पिताजी से कहना वो मेरे बारे में सोच सोच कर परेशान ना, कल विक्रम की बहन रागिनी की शादी है, जैसे ही सब खत्म होगा मैं जल्दी से उनके पास आ जाऊंगी। अब तुम जाओ। अपनी बहन का ये संदेश मैं पहुंचा करूंगा, तुम बस अपना ख्याल रखना। रौनक सिंह ऐसे क्यों देख रहा है? बहुत प्यास लगी है, पानी पिएगा? देखो ना शक्ति भाई, इस बिचारे के होठ सूख रहे हैं। ले पानी पिलाते तुझे। ये देख, पी पानी। हमें इन दोनों का कुछ करना होगा। हाँ, हम 4 और वो 2, बहुत मजा आएगा। चलो। इस समय कौन आया होगा? ठहरो, मैं देखता हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या हुआ? ये हुआ। चलो। हम पृथ्वी के दोस्त हैं। पृथ्वी कहाँ है? जो कोई भी हो, लेकिन वो लड़का इस हवेली से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। चित्रंगदा भैया, वो लड़का चित्रंगदा को ढूंढ रहा था। मेरे कमरे में आते ही उसने सबसे पहले चित्रंगदा का नाम लिया। चित्रंगदा?
लगता है रौनक सिंह को इतने सालों के बाद अपनी बेटी की याद आ रही है। बेचारा खुद नहीं आ सकता तो एक जरा से बच्चे को भेज दिया। जी कुंवर जी, वो लड़का महल से भाग गया। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही गलतियां नहीं करने लगे हो? तुम्हें पता है ना कि यहां सारी गलतियों की सिर्फ एक ही सजा है। जी कुंवर जी, जब मैं राजकुमार के कमरे में गया था तो मुझे पूरा विश्वास था वहां कोई है, पर उन्होंने कहा यहां पर कोई नहीं। चलो हम खुद चल के उसे देखते हैं। तुम जाओ और पूरे गांव में जाके उस लड़के को ढूंढो और जहां भी मिले उसे वहीं खत्म कर दो। जी कुंवर जी। चलो। तुम इस समय यहां अपनी जान की परवाह नहीं है तो मरो, पर अपने साथ हमें क्यों मरवाना चाहते हो? जी सुनिए सुनिए, मैं कल सुबह होते ही मेरे तक वापस चले जाऊंगा। अब विक्रम सिंह के सैनिक चारों तरफ फैले हैं, अगर आप चाहें तो मैं सुबह होने तक यहाँ रुक सकता हूँ। तुम हमें जरूर किसी मुसीबत में फंसा कर ही रहोगे। चलिए अंदर आओ। चित्रांगदा से मुलाकात हुई तुम्हारी? हाँ हुई। मैं तो उसे विक्रम सिंह के अत्याचारों से बचाने आया था, पर वो तो यहाँ अपने घर में अपने पति के साथ बहुत खुश है। बता कहाँ है वो लड़का? बोल। तू ऐसे नहीं बोलेगी। झूठ बोला है उसने तुमसे। राजकुमार विक्रम सिंह इंसान नहीं, जानवर है। वो उसे इतना मारता है कि सोचकर भी मेरा मेरी रूह कांप उठती है। वो बेचारी उसका चाबुक खाते खाते बेहोश हो जाती है, फिर भी उसका चाबुक नहीं रुकता है। बोल, क्या संदेशा भेजा उस लड़के के हाथ अपने बाप को? बोल। मेरा विश्वास कर, मैंने कोई संदेशा नहीं भेजा। झूठ बोलती है। दो चार दिन खाना पीना नहीं मिलेगा तो अपने आप मुंह खोलेगी। भैया, दो चार दिन क्यों रुकते हो? सीधा इसकी दुखती रख पर हाथ रख दो, फिर देखो कैसे अभी सब उगलती है। जाओ उसे यहां लेकर आओ। उसे यहां मत लेकर आओ, मैं तुम्हारे भाव पड़ती हूं। चित्रांगदा ने बात मुझे खुद क्यों नहीं बताई? आगे क्यों झूठ बोला उसने मुझसे? क्योंकि उसकी जान कहीं और बसी हुई है। क्या मतलब? चित्रांगदा की बेटी भी है? पर रौनक सिंह ने तो 6 सालों में तो बहुत कुछ हो जाता है। उसे अपनी बच्ची से कोई लेना देना नहीं है। चित्रांगदा से बच्चा पैदा करने का उसका एक ही मकसद था, ताकि वो इस महल से कहीं ना जा सके। चित्रांगदा की बेटी विक्रम की बहन रागनी के साथ रहती है। रागनी उसे कुछ पल के लिए चित्रांगदा से मिलवाती है।
वो अपनी बेटी के बिगर कहीं नहीं जाएगी। इस नर्क को उसने जीवन का सच मान लिया है। वो बदनसीब माँ अब सिर्फ अपनी बेटी के लिए जी रही है। पता कहाँ गया वो लड़का? मुझे नहीं पता कहाँ है। तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, इनी बेटी को छोड़ दो। इसका मतलब वो लड़का यहाँ आया था। आया था पर कहाँ गया मुझे नहीं मालूम, और मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मेरी मिताली को छोड़ दो। देखा भैया, नस थोड़ी सी दबाई और इसने किसी तोते की तरह सच बोलना शुरू कर दिया। बहुत प्यार आ रहा है बेटी पर। चलो, तुम्हें झूठ बोलने की यही सजा दी जाती है। आज के बाद इन दोनों को कभी मिलने मत देना। ले जाओ इसे यहां से। विक्रम सिंह ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि विक्रम सिंह एक घमंडी राजकुमार है, जिससे ये बात कभी बर्दाश्त नहीं होती कि एक छोटे से गांव की मामूली सी लड़की ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। क्या चित्रांगदा कभी भी हवेली से बाहर आती है? जाती है, वो रोज सुबह काली माता के मंदिर जाती है। वो अकेली नहीं जाती, उनके साथ चारों तरफ सैनिक रहते हैं। उनके आंखों के एक में एक पल के लिए भी दूर नहीं रहने देते। और अब तो और मुश्किल है, क्योंकि विक्रम को मालूम है कि तुम यहाँ पर हो। मैं विक्रम सिंह की ताकत और उसके घमंड को मिट्टी में मिलाकर रहूंगा। मैं चित्रांगदा और उसकी बेटी को आजादी दिलाकर रहूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।